नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहला पहले हम लोग कक्षा 6वीं की आपकी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन्हें देख चुके हैं। कक्षा 7वीं की भी देख चुके हैं। कक्षा 8वीं की एक बुक्स देख चुके हैं, वो थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। आज हम लोग बात करेंगे हमारा हमारे अतीत या हमारा अतीत 3। याद रखिए, इसमें दो पार्ट हैं। तो पहले हम लोग एक पार्ट खत्म करेंगे, हमारा अतीत 3 का पहले ये भाग खत्म करेंगे, तो उसके बाद दूसरा भाग खत्म करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाग एक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, याद रखिए, इन्हें एक कहानी का रूप देकर पढ़िए। क्या है, बड़े शांति धैर्य रखकर पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके, क्योंकि आपको सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि ये बहुत साधारण शब्दों में लिखी है कि आपका बेस क्लियर हो, बेस मजबूत हो, जो भी आपको शब्द मिले उनकी परिभाषा आप लोग जान सकें। तो इसे बड़े धैर्य के साथ पढ़िए, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे और निकल जाना है। ठीक है, तो पहला अध्याय हम बात करेंगे, ये विषय सूची है, पहले अध्याय में कैसे कब और कहाँ देखेंगे। दूसरा अध्याय होगा आपका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फिर बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। फिर बात करेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। फिर अध्याय आपका अगला होगा बुनकर, लोहार बनाने वाले एवं फैक्ट्री मालिक। फिर बात करेंगे देश जनता कुछ सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। फिर बात करेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार। फिर अगला अध्याय होगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्वतंत्रता के बाद। तो इस तरह इसमें आपके 10 अध्याय होंगे। कितने? 10 अध्याय होंगे। ठीक है, 10 चैप्टर होंगे आपके। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करते जाएंगे। जैसे ही आपकी एक खत्म होगी उसके बाद हम लोग भाग 2 को हम लोग देख लेंगे। ठीक है,